गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सॉरी एमएससी फाइनल ईयर हेटेरोसाइक्लिक में अपने यूनिट सेकंड थर्ड जो भी है चल रही थी रिंग सिंथेसिस, उसमें हमने थ्री मेंबर रिंग थी, तीन ऑक्सीरेन थायरेन ये हम और एजीरेन्स, ये तीनों रिंग्स हैं थ्री मेंबर वाली, ये भी कवर कर ली हमने। उसके बाद फोर मेंबर रिंग में एजिटर्डिन्स था और सेकेंड था आपका ऑक्सीटिन्स, ये भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में आपके सिलेबस में जो लास्ट फोर मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग है वो रहेगी आपकी थायटेन्स रिंग, ठीक है। फोर मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग थायटेन्स है, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका जनरल इंट्रोडक्शन तो इसमें आएगा कि ये एक फोर मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग बोले या कंपाउंड्स है। सेकेंड्स बात ये आती है इसमें कि इसमें हेटेरो एटम के रूप में क्या होगा, तो हेटेरो एटम के रूप में इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। हेटेरो एटम के रूप में क्या आएगा इसमें सल्फर, हेटेरो एटम के रूप में सल्फर आ गया इसमें प्रेजेंट हो गया। अब हम देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, तो स्ट्रक्चर में आएगा इस प्रकार से, ये फोर मेंबर्ड रिंग होगी हेटेरो एटम के रूप में इसमें सल्फर प्रेजेंट होगा। उसके बाद में आता है ये जो थ्री मेंबर रिंग थी अपनी थायरिन्स थी जिसको हमने इस प्रकार से लिखा था, तो थायरिन्स की जो रिंग होती है उसकी तुलना में थायटेन्स की फोर मेंबर रिंग है उसकी रिएक्टिविटी कम रहेगी, कारण इस रिंग में स्ट्रेन ज्यादा होता है। स्ट्रेन जिसमें ज्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा रहेगी, यानी वो रिंग इजीली क्या हो जाएगी ओपन हो जाएगी। जबकि फोर मेंबर रिंग थायटेन्स के अंदर रिंग स्ट्रेन है वो थ्री मेंबर रिंग थायरेन्स की तुलना में कम होता है, इसलिए हम कहेंगे कि थायटेन्स जो रिंग है उसकी रिएक्टिविटी तो होती है कम और स्टेबिलिटी होती है ज्यादा किससे थायरेन्स की तुलना में। कारण रहेगा इसका कि थायरेन्स जो थ्री मेंबर रिंग है उसमें स्ट्रेन प्रेजेंट होता है रिंग स्ट्रेन, जबकि थायटेन्स की रिंग में रिंग स्ट्रेन प्रेजेंट होता है लेकिन वो इससे क्या रहेगा कम रहेगा। ये रहेगा इसका जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद में हम थायटेन्स वाली जो रिंग है उसमें क्या पढ़ेंगे, हम दूसरी बात देखते हैं कि सल्फर के ऊपर इसमें भी क्या है लोन पेयर्स प्रेजेंट है और इसमें भी लोन पेयर्स प्रेजेंट है। अब ये वाले जो लोन पेयर्स है वो इजीली किसी भी एसिड को इजीली अवेलेबल रहेंगे क्योंकि फोर मेंबर जो रिंग है उसमें प्रत्येक कार्बन की ईयन थ्री मेंबर वाले रिंग के कार्बन की कंपेरिजन में कम होती है। ईयन कम होने के कारण से ये जो लोन पेयर्स है वो सल्फर के ऊपर इजीली किसी भी एसिड को क्या होंगे अवेलेबल होंगे, इसलिए हम कहेंगे कि फोर मेंबर जो थायटेन्स रिंग है उसकी बेसिसिटी या क्षारीयता जो कि लोन पेयर्स की अवेलेबिलिटी या फिर उपलब्धता पर निर्भर करती है। अब ये ज्यादा अवेलेबल रहेंगे किसी आने वाले एसिड के लिए तो हम कहेंगे कि फोर मेंबर थायरिन्स है उसकी बेसिसिटी या क्षारीयता थ्री मेंबर थायरेन्स वाले रिंग की कंपेरिजन में क्या रहेगी ज्यादा रहेगी, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे फोर मेंबर रिंग थायटेन्स की सिंथेसिस किस प्रकार से होती है। सिंथेसिस में तीन चार मेथड्स हैं इसके, उसके बाद में इसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। वही मेथड है पहले जनरल इंट्रोडक्शन, उसके बाद में मेथड ऑफ प्रिपरेशन या सिंथेसिस मेथड्स, और उसके बाद में हम पढ़ते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन। तो नेक्स्ट देखें इसके अंदर हम जनरल इंट्रोडक्शन के बाद में इसमें हम लिखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। लेकिन देखिए फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम पढ़ेंगे इसके इंट्रा मोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहेगा अपना थायटिन्स बनाने का इंट्रा मोलिकुलर, यही उसका था कल वाले ऑक्सीटेंस का फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इंट्रा मोलिकुलर साइक्लाइजेशन था, इंट्रा मोलिकुलर साइक्लाइजेशन हिंदी में बोलेंगे इसको, अंतः आणविक चक्रीकरण बोलते हैं साइक्लाइजेशन को हम। देखिए किसकी किसका किसके साथ में साइक्लाइजेशन होगा, इसमें आता है कि 1,3-डाई हेलो एल्केन, इसमें रिएक्टेंट्स रहेंगे आपकी 1,3-डाई हेलो एल्केन। उसके साथ में हम लेंगे यहाँ पे सोडियम सल्फाइड,
सोडियम सल्फाइड। इसकी केमिकल रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे? एल्कोहल लेंगे, एल्कोहल के रूप में यहाँ हम लेंगे एथेनॉल को। अब देखते हैं कि 1,3-डाई हेलो एल्केन में हम यहाँ पे ले लिया हमने CH2 Br और ये CH2 Br। इसका नाम लिखे तो क्या आएगा, 1, 2, 3, 1 और 3 पे ब्रोमो जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा 1,3-डाई ब्रोमो। 1,3-डाई हेलो, हेलो की जगह ब्रोमो, 1,3-डाई ब्रोमो, 3 कार्बन है तो इसको हम क्या बोल देंगे, प्रोपेन। इसकी रिएक्शन हमने करवा दी सोडियम सल्फाइड के साथ में। सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, Na2S, खोल के इस प्रकार से लिख दिया। हम लेंगे किसकी प्रेजेंस यहाँ पे, एथेनॉल की प्रेजेंस पे। देखो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, माइनस में 2 Na Br बाहर निकलेगा, ये बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक होगा, प्लस पॉजिटिव नेगेटिव के साथ में, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ में दोनों कार्बन के साथ में क्या हो जाएगा, सल्फर। यहाँ पे बनेगा CH2 CH2 CH2। इन दोनों कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों ही सल्फर के नेगेटिव से जुड़े हैं तो इस प्रकार से थायटेन्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। ये रहेगा इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन। तो इसमें हम करेंगे कि जब 1,3-डाई हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम सल्फाइड के साथ एल्कोहल यानी एथेनॉल की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो कंपाउंड्स में इस प्रकार से इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन के द्वारा थायटेन्स का फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद में देखें आप इसके अंदर नेक्स्ट हम करेंगे, इसमें सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहेगा इसका, फ्रोम क्लोरोमेथिल ऑक्सीजन। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहेगा फ्रोम क्लोरोमेथिल ऑक्सीजन। ठीक है, सेकेंड है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देखिए इसमें फ्रोम क्लोरोमेथिल ऑक्सीजन। अब पहले तो हम क्लोरोमेथिल बनाया बनाया हुआ नहीं मिलता है तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन में क्लोरोमेथिल ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करेंगे। अब क्लोरोमेथिल ऑक्सीजन किससे बनेगा वो देखेंगे इसमें। तो देखें इसमें हम करेंगे सबसे पहले 2-हाइड्रोक्सी 3-क्लोरो थायोल, इसको हम बनाएंगे यहाँ पे क्लोरोमेथिल ऑक्सीजन से। क्लोरोमेथिल ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाएंगे, देखें यहाँ पे रहेगा CH2 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 Cl। यहाँ पे हमने ये बना दिया, ये तो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ क्लोरोमेथिल, इसका पूरे का नाम हम लिखेंगे क्लोरोमेथिल। तो क्लोरोमेथिल तो इसका नाम है, क्लोरोमेथिल ऑक्सीजन। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ में लेंगे हम हाइड्रोजन सल्फाइड। इस पूरे को हम एक साथ में बेरियम हाइड्रोक्साइड सल्फाइड के नाम से भी जान सकते हैं। हो गया, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में देखो क्या बनता है, प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है इसमें हाइड्रोक्सी क्लोरो थायोल बनता है। हाइड्रोक्सी क्लोरो थायोल कैसे बनेगा, देखिए इसको ब्रेक करें हम तो एच पॉजिटिव एस एच नेगेटिव बनाएगा। ये वाला बॉन्ड यदि हम यहाँ से इसको इस प्रकार से ब्रेक कर दें, ऑक्सीजन नेगेटिव पे ऊपर एच पॉजिटिव जाएगा, इस कार्बन पॉजिटिव पे ये एस एच नेगेटिव जाएगा तो यहाँ पे बनेगा CH2 OH CH2 और SH और CH2 और Cl। अब इसका हम नोमेनक्लेचर करें तो नोमेनक्लेचर हम थायोल के रूप में यदि करें या फिर इस रिंग को यदि हम यहाँ से ब्रेक नहीं करके यहाँ से ब्रेक करें मान लीजिए तो इस कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा SH, यहाँ पे मान लेते हैं SH और ये है OH। अब इसका देखें नोमेनक्लेचर किस प्रकार से करेंगे, तो इसको हम लिख देंगे 1, 2, 3, तो 1 पे क्या जुड़ा हुआ है क्लोरो, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे कि क्लोरो का सी हाइड्रोक्सी का एच लिखेंगे तो इसको हम कहेंगे 1 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी, 3 कार्बन है,
एल्कोहल वाला इसका अर्थ है इसको प्रोपेन या प्रोप थायोल के नाम से बोले। इसी को हम क्या बोलते हैं, इधर क्लोरोमेथिल ऑक्सीजन, इससे हम बनाएंगे 1-क्लोरो-2-हाइड्रोक्सी प्रोप थायोल, जो कि इस प्रकार की रिएक्शन से हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। उसके बाद में देखो हम क्या करेंगे, इसमें से हम एच पॉजिटिव आयन बाहर निकालेंगे। एच पॉजिटिव कौन सा निकालेंगे, ये वाला निकाल देंगे। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, तो इसमें बनेगा CH2 सल्फर नेगेटिव CH2OH और CH2 और Cl, ये बन जाएगा आपका इस प्रकार से। उसके बाद में नेक्स्ट में देखो इसके अंदर क्या करेंगे हम, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन है वो हम यहाँ पे करवाएंगे। तो इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन में देखो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम करवाएंगे यहाँ पे इंट्रा मोलिक्यूलर साइक्लाइजेशन। इसमें हम Cl नेगेटिव को बाहर निकालेंगे, देखो ये निकल गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव वाला कार्बन ही सल्फर नेगेटिव से जुड़ेगा, देखें किस प्रकार से जुड़ेंगे। हमने लिख दिया यहाँ पे CH2, ये वाला CH2 पहले लिखेंगे, इसके साथ जुड़ा हुआ है OH, इस CH2 के बाद में नीचे जुड़ा हुआ है ये CH2, इस CH2 के साथ में आगे जुड़ा हुआ है ये एस नेगेटिव, और इस CH2 के साथ में ये आगे CH2, और यही तो था पॉजिटिव, ये नेगेटिव दोनों आपस में जुड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है 3 नंबर पे, 1 2 3, 3-हाइड्रोक्सी थाइटेन्स का फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हो जाता है। तो ये रहेगा आपका सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम क्लोरोमेथिल ऑक्सीजन। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि क्लोरोमेथिल ऑक्सीजन की रिएक्शन जब हाइड्रोजन सल्फाइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाएगी, तो 1-क्लोरो-2-हाइड्रोक्सी प्रोप थायोल का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से पहले एक प्रोटोन निकलेगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन के साथ में Cl नेगेटिव के रूप में निकल जाएगा, जिससे हमें 3-हाइड्रोक्सीथाइटेन्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। ये रहेगा इसका सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन थाइटेन्स का फ्रॉम क्लोरोमेथिल ऑक्सीजन। उसके बाद में देखें इसका थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम साइक्लिक कार्बोनेट्स। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन में यहाँ पे रहेगा फ्रॉम साइक्लिक कार्बोनेट्स। साइक्लिक कार्बोनेट्स, ठीक है, देखें साइक्लिक कार्बोनेट से किस प्रकार से बनेगा ये। तो इसमें आता है कि साइक्लिक कार्बोनेट्स है 1,3-डायऑक्सेन और 2-ओन, इसकी रिएक्शन या इसका डिकम्पोजिशन हम करवाते हैं थायोसाइनेट आयन के साथ में। तो देखें इसमें क्या बनता है, थायोसाइनेट आयन के साथ में रिएक्शन करवाने की, इसकी 1,3-डायऑक्सेन 2-ओन की, देखिए किस प्रकार से बनेगा ये। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड ओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1,3-डाई-ऑक्सेन, और आगे इसको हमने आप बोले कार्बोनेट बोलो चाहे 2 ओन्स बोलो, डाई-ऑक्सेन और 2 पे क्या लिखा हुआ है ओन, की टोन का ओन लिख दिया हमने, ठीक है, 1,3-डाई-ऑक्सेन 2 ओन। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे थायोसाइनेट आयन के साथ में, SC(NN)-, नेगेटिव सल्फर पर रहेगा, थायोसाइनेट आयन बन गया। इसके साथ में हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे, देखो क्या बनेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस कार्बन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव कार्बन के साथ जुड़ेगा ये सल्फर नेगेटिव, तो यहाँ पे बनेगा CH2 ये वाला, इसके साथ में ये ऑक्सीजन, इसके साथ में ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके साथ में ये ऑक्सीजन नेगेटिव वाला, यहां तक की बात हो गई।
इतना लिख लिया। अब इस कार्बन के साथ में नेक्स्ट ये कार्बन जुड़ा हुआ है पांच नंबर वाला, तो इसको हम बोल देंगे CH2। इसके साथ जुड़ा हुआ है ये वाला कार्बन CH2, और इसके साथ मैंने जोड़ दिए इस सल्फर नेगेटिव वाले को, सल्फर से ट्रिपल बॉन्ड N, ये वाला यहाँ पे बन गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पे क्या होगा, इसमें से CO2 गैस बाहर निकलेगी, कैसे निकलेगी, तो इसमें आएगा ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, सॉरी नेगेटिव आ गया, नेगेटिव को हटाने के लिए ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, CO2 बाहर निकल गई, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका CH2 ऑक्सीजन नेगेटिव, CH2 सल्फर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ये बच गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से क्या करवाएंगे, किस प्रकार से जोड़ेंगे, तो इसमें आता है कि इसमें आएगा यहाँ से कि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर दिया हमने, तो ये वाला कार्बन पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ में ये नेगेटिव वाला जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा यहाँ पे CH2 ऑक्सीजन, ये दोनों तीनों लिख दिए। इसके साथ जुड़ा हुआ है ये कार्बन, इसके साथ जुड़ा हुआ है ये नाइट्रोजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इस बॉन्ड के ऐसे टूटने से, इसके साथ जुड़ा हुआ है ये सल्फर, और ये जुड़ा हुआ है इसके साथ में CH2, ये इस प्रकार से जुड़ गया। अब नेक्स्ट में देखो क्या होगा कि ये बॉन्ड वापस यहाँ घूम जाएगा, और ये बॉन्ड घूम जाएगा यहाँ पे, और ये बॉन्ड घूम जाएगा यहाँ पे, तो निकलेगा क्या बाहर OC ट्रिपल बॉन्ड N, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, सल्फर पे नेगेटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव, ये इसके साथ में आके जुड़ेगा, तो यहाँ पे बनेगा CH2 सल्फर CH2, और ये इसी का नाम क्या है थायटेन्स है। तो हम कहेंगे कि इस प्रकार से साइक्लिक कार्बोनेट की रिएक्शन जब थायोसाइनेट आयन के साथ में करवाई जाए, ये तो है साइक्लिक कार्बोनेट थायोसाइनेट आयन के साथ में करवाई जाए, तो इस प्रकार से रिएक्शन होकर के लास्ट में थायटेन्स का फॉर्मेशन है वो हो जाता है। ये रहेगा थायटेन्स का थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल रिएक्शन थायटेन्स की, तीन होगी इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखे इसमें केमिकल रिएक्शन ऑफ थायटेन्स। केमिकल रिएक्शन पढ़नी है नेक्स्ट में, देखें केमिकल रिएक्शन में वही आएगी फर्स्ट रिंग ओपनिंग रिएक्शन, तो फर्स्ट कौन सी रहेगी रिंग ओपनिंग रिएक्शन, और रिंग ओपनिंग रिएक्शन में हम देखेंगे कि एक तो थायरेंस की रिंग होती है 3 मेंबर सल्फर हेटेरोटम वाली, और एक 4 मेंबर वाली होती है थायटेन्स। इन दोनों के में कंपेरिजन पढ़ी थी, वहां पे ये पढ़ा था कि जो थायरेंस की रिंग है उसमें रिंग स्ट्रेन थायटेन्स के कंपेरिजन में ज़्यादा होने के कारण से वो रिंग आसानी से ओपन हो जाती है, यानी उसकी रिंग ओपनिंग की रेट हाई होती है, जबकि थायटेन्स की रिंग में थायरेंस वाले रिंग की कंपेरिजन में रिंग स्ट्रेन कम होने के कारण से थायटेन्स की रिंग है वो इजीली ओपन नहीं हो पाती है। वैसे भी जब हम इसको बोलेंगे कि जब थायटेन्स की रिंग है उसमें फर्स्ट केमिकल रिएक्शन लिखें रिंग ओपनिंग रिएक्शन, तो इसमें हम ये देखेंगे कि इसकी जो रिंग ओपनिंग होती है थायटेन्स की, यानी जब थायटेन्स को हम गैस फेज में गर्म करते हैं, कौन सी फेज लेनी है इसकी गैस फेज में, इन गैस फेज, और गैस फेज में जब हम इसको हीट करते हैं गर्म करते हैं थायटेन्स को, तब यहाँ से हमें एथिलीन और साथ में क्या बनता है यहाँ पे सल्फो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, देखिए किस प्रकार से रहेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाए, ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाए, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन बन गया, रिंग ओपनिंग होगी इसकी, और साथ में क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड S, CH2 डबल बॉन्ड S, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HC डबल बॉन्ड S, एक ही बात है, तो ये तो बन गई यहाँ पे एथिलीन, और ये बन जाएगा यहाँ पे थायो फॉर्मेल्डिहाइड। तो इस प्रकार से इसकी रिंग ओपनिंग होगी,
और गैस फेज में होगी, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है गैस फेज में। इसके गैस फेज में जब इसको हम हीट करते हैं तो इस प्रकार से रिंग ओपनिंग के द्वारा हमें एथिलीन और थायोफोर्मेल्डिहाइड है उसका प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो जाता है। ये रहेगी इसकी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन, रिंग ओपनिंग रिएक्शन। उसके बाद में सेकेंड रिएक्शन देखें, केमिकल रिएक्शन, तो वो पढ़ेंगे हम रिएक्शन विद अमोनिया। सेकेंड रिएक्शन रहेगी इसकी केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन विद अमोनिया। ठीक है, देखें अमोनिया के साथ में ये रिएक्शन करता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और अमोनिया के साथ में रिएक्शन करने पे ये 3-अमीनो-प्रोपेन-थायोल का फॉर्मेशन करेगा। किस प्रकार से करेगा वो देखें, जैसे ये रहा CH2 सल्फर CH2, ये था आपका थायटेन्स। इसकी रिएक्शन हमने करवा दी अमोनिया के साथ में, टेम्परेचर रखा हमने 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बनेगा NH2 नेगेटिव और H पॉजिटिव। ये ब्रेक होगा यहाँ से, सल्फर नेगेटिव पे H पॉजिटिव जाएगा, कार्बन पॉजिटिव पे NH2 नेगेटिव जाएगा, तो हमारा बन गया यहाँ पे CH2 SH और CH2 और ये NH2, 1 2 3, तो हम कहेंगे बन गया यहाँ पे 3-अमीनो, 3 कार्बन है, प्रोप थायोल, थायोल बोलेंगे इसको। तो इस प्रकार से अमोनिया की रिएक्शन जब थायटिन्स के साथ में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाई जाती है तो इस प्रकार से रिंग ओपनिंग होगी वही, और 3-अमीनो-प्रोप-थायोल या 3-अमीनो-प्रोपेन-थायोल बोले तो इसका फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हो जाता है। ये रहेगा इसकी सेकेंड केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन विथ अमोनिया। उसके बाद देखें इसकी नेक्स्ट देखेंगे हम रिएक्शन विथ हेलोजन के साथ में रिएक्शन। इसमें भी रिंग क्लीवेज होगी, देखें रिएक्शन विथ हेलोजन, थर्ड केमिकल रिएक्शन। हेलोजन में हम लिखेंगे H2, कोई भी हेलोजन हो सकते हैं, तो यही ले लिया हमने थायटिन्स। इसकी रिएक्शन हमने करवा दी हेलोजन के साथ में, देखना प्रोडक्ट किस प्रकार से प्राप्त होगा। डाइमराइजेशन होता है इसमें, रिंग ओपनिंग होगी, डाइमराइजेशन होगा। देखें हेलोजन के रूप में हमने इसकी रिएक्शन करवाई Cl2 के साथ में, इसमें क्या बन गया Cl पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब देखो क्या होगा, सल्फर के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, पॉजिटिव वाला जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा इससे, तो CH2 और ये क्या बोलेगा ऐसे कि इलेक्ट्रॉन दे दिए सल्फर के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज आएगा, सल्फर ने इलेक्ट्रॉन देते ही पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आ गया Cl। अब सल्फर का पॉजिटिव चार्ज हमें खत्म करना है तो हम ये बॉन्ड तोड़ेंगे, तो यहाँ पे जो Cl नेगेटिव वाला ना वो चल के आएगा इस पॉजिटिव के पास में कि मैं जुड़ जाऊंगा तेरे साथ में, ये से तो ये बनेगा CH2, रिंग ओपनिंग होगी इस बार CH2 Cl अपॉन में CH2 सल्फर Cl, ये बन गया। अब इसमें क्या होगा कि एक थायटेन्स की रिंग हो रहेगी जुड़ने के लिए, इस प्रकार से ये थायटेन्स की रिंग आ गई, ये भी इसके साथ में जुड़ेगी, तो इसमें से देखो क्या होगा, ये रिंग इसके साथ में जाकर जुड़ेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिंग यहाँ से ब्रेक होगी, मान लीजिए ये इस प्रकार से ब्रेक हो जाएगी, इस प्रकार से सल्फर नेगेटिव और ये Cl टूटेगा इसके पास इस प्रकार से, सल्फर पॉजिटिव सल्फर नेगेटिव आपस में जुड़ेंगे, ये जो टूटा हुआ Cl है ना वो इसके पॉजिटिव के साथ में कार्बन बन के साथ में आगे जुड़ेगा, देखो क्या बनेगा, सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर हमने देख लिया, ये सल्फर पॉजिटिव सल्फर नेगेटिव जुड़ेगा इसके साथ में, जुड़ा हुआ इसको इस साइड में लिखते हैं, तो सल्फर के साथ में CH2 है, वापिस CH2 है, फिर CH2 है, फिर Cl है, CH2 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 और Cl। अब इस सल्फर के साथ में तो ये जुड़ा हुआ है ये CH2, फिर ये CH2, फिर नेक्स्ट ये CH2 और इस CH2 के साथ में ये Cl आगे जुड़ा था, तो ये रहेगा Cl। इस प्रकार से डाइमराइजेशन के द्वारा ये प्रोडक्ट बनेगा, और इस प्रोडक्ट का यहाँ पे नाम रहेगा 3-क्लोरोप्रोपाइल डाई सल्फाइड, इसको बोलेंगे डाई सल्फाइड। दोनों साइड देखो 1 2 3 3 क्लोरोप्रोपिल
थ्री क्लोरोप्रोपिल डाइसल्फाइड, इसको हम देखेंगे यहाँ पे थ्री क्लोरो प्रोपिल, दो बार है ये, तो इसके आगे हम लगा देंगे 20 लगा देंगे, थ्री क्लोरोप्रोपिल, और यहां से हम लिख देंगे डाई सल्फाइड। तो इस प्रकार से हेलोजन के साथ में रिएक्शन करने से वहां पे डाइमराइजेशन और रिंग ओपनिंग के द्वारा थ्री क्लोरोप्रोपिल डाई सल्फाइड है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद में लास्ट एक रिएक्शन हो रहा है, उसमें हम कहेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होकर के ये क्या बनाता है, ये बना देगा सल्फोक्साइड और सल्फोन्स का फॉर्मेशन कर देता है। फोर्थ प्रोसेस या फोर्थ रिएक्शन रहेगी इसकी ऑक्सीडेशन। फोर्थ में हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन, तो थायटेन से उसका ऑक्सीडेशन देखो किस प्रकार से रहेगा। तो इसमें हम लिखेंगे कि थायटेन्स का ऑक्सीडेशन हमें करवाना है हाइड्रोजन परऑक्साइड और एथेनॉल की प्रेजेंस में। देखें जैसे ये है अपना थायटेन्स, लास्ट केमिकल रिएक्शन है इसकी है। थायटेन्स की रिएक्शन हमने करवा दी हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी H2O2 और एथेनॉल यानी C2H5 के साथ में, ये आएगा ऑक्सीडेशन करेगा, तो ऑक्सीडेशन करेगा तो सल्फर इस प्रकार से जुड़ेगा, इसको हम बोलते हैं कि सल्फोक्साइड बन गया। इसका हम फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन्हीं ऑक्सीडेंट के द्वारा H2O2 और C2H5OH के द्वारा। अभी तो सल्फर के ऊपर दो लोन पेयर थे ना, एक के द्वारा किया, अभी एक लोन पेयर और प्रेजेंट है सल्फर पे, उसके द्वारा वापस करवाएंगे तो एक ऑक्सीजन और आगे जुड़ जाएगा, और ऑक्सीजन का एडिशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इस प्रोडक्ट का नाम रहेगा सल्फोक्साइड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सल्फोन। तो हम लिखेंगे कि जब थायडिन्स का ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन परऑक्साइड और एथेनॉल की प्रेजेंस में करवाया जाता है तो पहले सल्फोक्साइड बनता है इसका ऑक्सीडेशन होने से, और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाने पे हमें सल्फोन से प्राप्त हो जाता है। ये रहेंगी थायटिन्स की केमिकल रिएक्शंस, और इस प्रकार से थायटिन्स कंप्लीट हो गया। तो थ्री मेंबर में तीन एजीरीन और एजीरीडीन था और ऑक्सीडेन थायरिन्स तीन थे, वैसे ही फोर मेंबर में भी तीन थे, एजीटीडीन था जिसको हम थाए साइक्लोप्रोपेन बोले थे, ऑक्सीटीन्स था और आज वाला था थायटीन्स। तो ये रिंग सिंथेसिस में सिक्स कंपाउंड्स थे, थ्री मेंबर के तीन और फोर मेंबर के तीन कंप्लीट हो गए। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है केरोसाइक्लिक केमिस्ट्री का, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही।